नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज विशेष चर्चा करेंगे धारा 370 को लेकर के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या पड़ेगा, क्योंकि आज हम अपने पैनल पर कुछ युवाओं को लेकर के आए हैं। वो दो अलग अलग विचारधाराओं से, जिनके लिए सही भी है और गलत भी है, दोनों को सुनने के और समझने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या बने हैं, क्योंकि युवाओं को सुनना आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है। जब धारा 370 हट गया हो, तब जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर के याचिकाएं दायर की जा रही हो, और याचिका पहले से हैं जो दायर हो चुकी हैं, इसके साथ साथ सरकार का वो फैसला जिसका स्वागत पूरा देश कर रहा है और ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे स्वीकारा जा रहा है। साथ ही साथ बहुत जरूरी है युवाओं से जुड़ना, क्योंकि जिस बीच एक गैप क्रिएट हो गया है पिछले कुछ दशकों में, उस गैप को भरने की जरूरत है। युवा और सरकार के बीच में जो गैप है उसे भरने की जरूरत है, और वो जरूरत पूरी करने की कोशिश हम करेंगे। युवाओं के अंदर क्या कुछ चलता है, वो क्या सोचते हैं, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, और यही कारण है कि ये आज खास जो बातचीत होगी, जो चर्चा होगी, वो प्रशासन तक उन लोगों की आवाज पहुंचाना है जहां तक खुद प्रशासन और सरकार भी पहुंचना चाहता है। सरकार सुनना चाहता है उन युवाओं को कि वो क्या सोचते हैं। कुछ पक्ष में भी रहते हैं, कुछ विरोध में भी रहते हैं, लेकिन इस बीच जो पक्ष में है, जो समझ रहे हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन जो विरोध में है उनका दिल जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसलिए हर दिन हम देख रहे हैं धारा 370 को लेकर के छोटी बड़ी बहस हो रही है। धारा 370 को लेकर के हर रोज नई अपडेट्स आ रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समय समय पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहां पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाया जाए, हालांकि वो विफल हो रहा है। लेकिन इसी बीच धारा 370 को लेकर के जो एक लंबा संघर्ष है, जो लंबी जंग है, वो अभी भी जारी है, ये कहा जा सकता है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड खुद के। Why are you not offended about it? उसके बारे में भी मुझे पूछिए। लोगों के पास कुकिंग गैस नहीं है अभी कश्मीर में, वहां पे गैस एजेंसियां ठप है। फारूक अब्दुल्ला साहब को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, वो अपनी मर्जी से अपने घर में है। You think I will stay inside my house of my own will while my state is being burnt? While my people are being executed in the jails, punished in their homes. तो ये जंग है जो लगातार चल रही है, और इस जंग को लेकर के हर रोज नई अपडेट्स आ रही हैं। सरकार प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बैठक कर रहा है, चाहे पंच सरपंचों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी हो, उनसे मुलाकात के दौरान बात करना हो कि उनके इलाकों में क्या कमी है, क्या परेशानी है, फिर चाहे खुद आर्मी का लोगों से मुलाकात करना, वहां के युवाओं को समझाना, पाकिस्तान की नापाक हरकत पूरे देश के सामने रखना, और उसके साथ साथ ये चीज तो बुलाई नहीं जा सकती है कि किस तरीके से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के युवा लगातार अग्रसर हैं। 27,000 आवेदन थे जो वहां के युवाओं द्वारा डाले गए, जिसमें वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि उनको भारतीय सेना में शामिल होना है। हालांकि इन 27,000 आवेदनों में से ही 575 युवाओं को ही चुना गया जो भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं, और इसी के साथ भारत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए अग्रसर हैं। ये उस बीच है जब कुछ नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार धाराओं के लोग ये कह रहे हैं कि लोग खुश नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो तस्वीर नहीं निकल कर सामने आ रही है। लोगों के अंदर विचारधाराओं का खेल है, लोगों के अंदर गुस्सा हो सकता है, लेकिन उस गुस्से को शांत कराना फिलहाल सरकार की प्राथमिकता है। उनको समझाना कि ये क्यों जरूरी है, ये सरकार की प्राथमिकता है, और ये पहले दिन से लगातार देख रहे हैं सरकार कोशिश कर रही है। हालांकि इसमें कूटनीतिक तरीके से बाकी जगहों पर भी अपने आप को मजबूत करना है, जो सरकार बखूबी कर भी रही है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि जो सपने, जो वादे किए गए हैं वो पूरा करना, बेरोजगारी खत्म करना, रोजगार को लाना,
जिन चीजों से आज तक युवा वंचित रहे वो चीजें उन तक पहुंचाना, उसे उपलब्ध कराना, ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर के चर्चा हमेशा चलती है। और जम्मू कश्मीर का तो इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है, यहाँ हर बार कोई ना कोई शासक आया है जो अपने तरीके से जम्मू कश्मीर में को साम्राज्य बनाने की कोशिश करता रहा। और फिर एक दौर आया जब जम्मू कश्मीर में नई शुरुआत होनी थी, सरकारों का आना था, लोकतंत्र की स्थापना होनी थी, और उस लोकतंत्र की स्थापना के बीच धारा 370 जो कि स्थायी रूप से आना था वो कब अस्थायी हो गया ये समझ ही नहीं आया। और यही कारण था कि उस पर लगातार काम होना बहुत जरूरी था, उस पर काम भी किया गया और आखिरकार धारा 370 हटाने का बेड़ा सरकार ने उठाया। अब इसके साथ साथ लोग बहुत अहम तरीके से ये देख रहे हैं कि इसका फायदा जरूर उन्हें पहुंचेगा, उन्हें फायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार काम कर रही है वो जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या रोल युवाओं का रहने वाला है, युवा इसके बाद जम्मू कश्मीर को कैसे देख रहे हैं, वो भी उन हालातों के बीच जब अचानक से किसी दिन उनको पता चलता है कि धारा 370 हट गया है, उन हालातों के बीच जब वो अपने घर में बंद हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, धारा 144 लग जाती है, वो अपने घर से नहीं निकल पाते, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, फोन पर किसी से कोई बातचीत नहीं है, जम्मू कश्मीर से हर तरह का संपर्क कट चुका हो, उस हालात के बीच लोगों को उस हालात को भी स्वीकारना है और उस माहौल उस हालात को स्वीकारने के साथ साथ उन लोगों के आगे सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि उन्हें चीजों को समझकर आगे एक उम्मीद की तरफ देखना है। और आज जल्दी से इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आज हमारे साथ युवा चुनेंगे जो सबसे प्राथमिक रूप से हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस वक्त हमारे साथ पवन सिंह हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, आदिल नाजिर खान हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ थोड़ी देर में अंजलि अदा भी जुड़ेंगी, कश्मीरी पंडित हैं, और मेरे साथ विनोद कुमार भी जुड़े हैं, जम्मू से ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन जी, सबसे पहले आऊंगी आपके पास, जब मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं कि आज जो हालात हैं, जिस बीच धारा 370 को हटाया गया उसके बाद जो हालात बने हैं, उन हालातों के बीच युवाओं का दिल जीतना है, उन युवाओं का जो अभी संतुष्ट नहीं है। कुछ हैं जो स्वीकार रहे हैं हालात को, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं स्वीकार पा रहे हैं। पवन जी, आवाज पहुंच रही है? विनोद जी, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। जब हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से माहौल जो शायद आज अनुकूल नजर नहीं आ रहा है उसे अनुकूल बनाना है, क्योंकि युवाओं का दिल जीतना इस वक्त प्राथमिकता है, उन्हें समझाना है कि आगे क्या उनके सामने है, वो भी उस हालात के बीच जब कॉन्टेक्ट कट है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है अपने परिवार वालों से, उस बीच जब अचानक से धारा 144 लगती है और सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, उस बीच उनका दिल जीतना है। विनोद जी, विनोद जी आपको आवाज पहुंच रही है? लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। आदिल, अब मुझे आपके पास आना होगा, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आपका जो प्रतिक्रिया होगी वो सबसे आखिर में लूंगी। खैर, जब मैं लगातार जिक्र कर रही हूं कश्मीर के क्या हालात बन रहे हैं, सबके सामने हैं, और हम ये भी जानते हैं कि कश्मीरी युवा चाहता क्या है, वो अपेक्षा चाहता है। एक धारा 370 को लेकर के हमने पिछली बार भी देखा, आप लगातार कह रहे थे कि आप एक सिक्योरिटी थी जो आपको लगातार मिल रही थी कि शायद इसके बाद हम कम से कम मजबूत तो हैं, लेकिन अब आपको वो भी नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आप मजबूत स्थिति में अब नहीं रहेंगे? हेलो, आवाज जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक मजलूम कौम से एक को रिप्रेजेंट बना दिया, एक आवाज़ रखने की, एक उस कौम की आवाज़ रखने के लिए जिनको तीस दिन से जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जिनको घरों के अंदर बंद किया गया। और आप, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अब मैं अब हालात पे आता हूँ कि मैं कल के ही इंसिडेंट पे आता हूँ। असरार की कल डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल से रिपोर्ट आता है कि इनकी पैलेट इंजरीज की वजह से डेथ हुई,
6 अगस्त को उनको पैलेट्स लगे थे, उनके हेड में पैलेट्स लगे थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट लेके आती है कि इनको स्टोन पेल्टिंग की वजह से इनकी डेथ हुई है। इस ये डेवलपमेंट करेंगे, जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता के प्रवक्ता भी हैं यहाँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि ये कौन सा डेवलपमेंट है आपका, कम से कम अपने देश को तो सच बताते। झूठ की कहानियाँ लेके सामने आते हैं। सिकिम्स हॉस्पिटल ने अपना जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि पैलेट इंजरीज की वजह से डेथ हुई है, 6 अगस्त को एडमिट हुए थे स्किम्स में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या उस चीज़ का जवाब दिया? आपने देश को क्या बोल रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग की वजह से ये डेवलपमेंट है? ये आप उम्मीद दे रहे हैं देश के, जम्मू कश्मीर के युवा को आप ये नहीं उम्मीद दे रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये कौन सा डेवलपमेंट है जी? पवन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि उनके पास तक एक रिपोर्ट पहुंची है जो ये बता रही है कि जिस हालात में एक शख्स की मौत हुई है उसको पैलेट लगने से उसकी मौत हुई है, जबकि आप लोग या फिर सरकार ये बता रही है कि स्टोन पेल्टिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। इसका जवाब चलिए, उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। आदिल, मैं वापस आपके पास आऊंगी, कोशिश करूंगी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनके साथ एक बार फिर से जुड़ने की, तकनीकी खराबी लगातार हो रही है लेकिन कोशिश करेंगे कि वो हम तक जुड़ जाएं। आदिल, मैं ये जानना चाहती हूं कि जिस बीच आप ये तमाम चीज़ें बोल रहे हैं, अपनी तरफ से बातों को रख रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझना चाहिए कि कुछ डेवलपमेंट हैं जो हो रही हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि धीरे धीरे फोन लाइन्स खुल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद है, लैंडलाइन खुली है, कल को फोन लाइन्स भी खुलेंगी, इंटरनेट सेवा भी खुलेंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आप मुझे इतना बताइए, ये कौन सी डेवलपमेंट की बात हो रही है? 5G 4G के जमाने में हम लैंडलाइन पे वापस आ गए, ये कौन सी डेवलपमेंट की बात है? कुछ समय की बात है आदिल, कुछ समय की। कुछ समय की बात नहीं है, आप आगे देखिए कि अभी इन्होंने कहा था 10 दिन में, एक हफ्ता, दो हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन करके एक महीना इन्होंने निकाल दिया। ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये बाहर से कश्मीर से आवाज बाहर आने नहीं दे रहे हैं। वहां की आवाज क्या चाहता है आम आवाज क्या चाह रहा है? पहली बात तो ये तो सीधे मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ, ये तो संविधान का मर्डर है, ये तो डेमोक्रेसी का मर्डर है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीप्लानेड मर्डर किया इन लोगों ने। अब तो दूसरी बात थी कि जिन लोगों को ये आज तक एंटी नेशनल कह रहे थे, आज वो लोग अब इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, आज वो इसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप मुझे एक बात समझाइए, भारतीय जनता के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, अगर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, एसबीआई संतोष गुप्ता का जजमेंट आता है कि जो इसकी लॉन्ग एग्जिस्टेंस हुई है, ये इसका एक स्टेटस, अपना स्पेशल स्टेटस देता है जिसकी वजह से इसको एब्रोगेट करना बहुत मुश्किल है, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को? और जो चीज सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में चीज थी उसको अपने मैनिफेस्टो में लाके इनको अपने न्यायालय पे भरोसा नहीं था। जो हुआ है वो एक तरफ है, जो अभी हो रहा है वो भी एक तरफ है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में सरकार आपको एक उम्मीद दिखा रही है कि इसके बाद विकास होगा, वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होगा, वहाँ पर रोजगार आएगा, वहाँ पर कम्युनिकेशन सेक्टर मजबूत होगा। मैं जवाब देता हूँ इसका। सरकार ने पिछले 5 साल में कौन सा डेवलपमेंट किया है? जो वो डेवलपमेंट कश्मीर में किए करेंगे, ये जीडीपी बताती है, 5% जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो खुद में ही बताती है उनने पूरे देश में कितना डेवलपमेंट किया। अब वो कश्मीर पे डेवलपमेंट करेंगे, कश्मीर तो ऑलरेडी गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे स्टेट से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे आगे है, तो कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? मिर्जापुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, लेकिन वही जम्मू कश्मीर है जहां पर मिलिटेंसी, अलगावाद, आतंकवाद, पाकिस्तान का कल वो आतंकवादी पकड़ा गया, वो सबूत है इस बात का कि कश्मीर का भविष्य अंधकार में था। मैं, वो चीज तो खत्म करनी थी ना, स्टेप चाहे आप लेकिन वो संविधान को लेकर के सवाल, वो आप संविधान का कत्ल करके तो, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर करके तो नहीं कर सकते, वो आप डेमोक्रेसी का मर्डर करके तो नहीं कर सकते। जब तक इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तब तक ये देश इंडिया कहलाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो इंडिया कहां से रहेगा? आप मुझे इतना समझा दिए, आप कह रहे हैं कि मिलिटेंसी थी, पॉलिटिशियंस ने करप्शन किया था, आप मुझे इतना बताइए, अगर पॉलिटिशियंस ने करप्शन किया था आपने आज तक उन पे केस क्यों नहीं चलाया? आपने आज तक उनको बंद क्यों नहीं किया? या हुर्रियत की बात है या मिलिटेंसी की, उस पर आप काम करते हैं? आपने पूरे कश्मीर को 14 मिलियन लोगों को बंद करके रखा है, आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? उन लोगों की क्या गलती है जो आज तक भारत के साथ थे? उन लोगों की क्या गलती है जो रिप्रेजेंट करते थे? आपने आज उनको भी बंद कर दिया, आज आपने उनकी उम्मीद भी छीन ली, उनकी जो उनका जो विश्वास था, इनका जो एक भरोसा था वो भी आज आपने छीन लिया।
चलिए आदिल, आप बहुत अच्छी तरीके से बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में जम्मू और लद्दाख के लोग धारा 370 हटने से खुश हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ अंजलि अदा भी जुड़ेंगी, जो कश्मीरी पंडित हैं। इस जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों के रहते हुए वो हुआ। युवाओं ने पत्थर उठाया, बच्चों ने पत्थर उठाया, 6-7 साल के बच्चों की तस्वीरें सामने आई हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं? और फिर प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं तो होने चाहिए, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। जंतर मंतर पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान के झंडे बर्दाश्त नहीं होंगे, ISIS के झंडे बर्दाश्त नहीं होंगे। वो क्यों होते हैं? हथियार कहां से आते हैं? स्कूल में बम कैसे फूट जाते हैं? मैं इस बात का जवाब देता हूँ। आप मुझे सिंपली बात कही है कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, आप प्रोटेस्ट करो पीसफुली, लेकिन पीसफुली जब प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया, हमें असेंबल होने ही नहीं दिया जाता, तो पत्थर मारने के सिवा उनके पास कौन सा रास्ता होता है? और दूसरी बात है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि स्टोन पेल्टिंग को डिफेंड या मिलिटेंट, मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं लेकिन ये कहता हूं कि जो भी आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी या मिलिटेंसी या पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है या और कुछ चीजें या एट्रोसिटीज की वजह से होता है, आप मुझे बताइए कुनन पोस्टपोरिया में जो वाका हुआ, आसिफा नीलोफर क्यों पत्थर उठाए, पत्थर क्यों उठाए, पहले मुझे जब जस्टिस नहीं होता तो पत्थर ही उठाएंगे, क्यों उठाएंगे पत्थर? यहाँ कौन सा पत्थर उठते हैं? दिल्ली में कौन से पत्थर उठते हैं? पूरे देश में कहाँ पत्थर उठते हैं? मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे आप अपनी बात। इस देश में भुखमरी की परेशानी है। नहीं, आप सुनिए आदिल, इस देश में भुखमरी की परेशानी है, यहाँ शिक्षा नहीं है, ये सच्चाई है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकारते हैं, स्वीकारते हुए कहते हैं कि अगर भारत में भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान में भी है। अब जब चीजों को स्वीकारा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्थर उठाएंगे। आप तक कोई चीज नहीं पहुंच रही है तो पत्थर उठाना किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है। क्यों हुआ 2010 आपके रहते हुए? क्यों हुआ 1990? क्यों हुआ 2016? मैं बात का जवाब दे रहा हूँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि रिएक्ट करने का, गवर्नमेंट का डिसीजन जो भी आता है, आपने अभी देखा कि गवर्नमेंट ने, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत फायदा उठाना सेडिशन चार्जेस लगा देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको एक दायरे तक जरूर आजादी देता है, लेकिन जब उसमें झंडे फहराए जाएंगे, जब भारत माता के खिलाफ आप गलत नारेबाजी करेंगे, तो आप एंटी नेशनल होंगे और आप पर सेडिशन के चार्जेस लगेंगे। बताया जाता है एंटी, जो इस देश की हित की बात करता है उसको एंटी नेशनल बताया जाता है। क्या आप कौन, किस देश हित की बात कर रहे हैं? पत्थर उठाना कौन सा देश हित है? बंदूक उठाना कौन सा देश हित है? मैं स्टोन पेंटिंग को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। कश्मीर में मूसा मूसा जाकिर मूसा के नारे लगते हैं। मुझे बात तो रखने दीजिए ना। आपने उसके लिए क्या किया, उन लोगों के लिए आपने क्या किया? अगर वहां सरकार थी, अगर आपको लगता था करप्शन है, आप उस सरकार को बदल देते, आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मैनिफेस्टो के साथ आते, आप इलेक्शन लड़ते, आप कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से सब कुछ करते, लेकिन असंवैधानिक तरीके। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस बीच हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर, जब हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हालात क्या बन रहे हैं, उस बीच ये कश्मीरी युवा है जो कह रहा है कि असंवैधानिक तरीके से धारा 370 को हटाया गया, जो हुआ वो सबके सामने है, अभी कम्युनिकेशन नहीं है, वो सबके सामने है, इतिहास में क्या हुआ वो भी सबके सामने, लेकिन हमारे पास भविष्य है, इतिहास से सीखने का और समझने का ये वक्त है, युवाओं को ये कैसे समझाया जाए? युवाओं को कैसे समझाया जाए? बेसिकली कश्मीर हिस्ट्री पर हमें जाना पड़ेगा और कश्मीर हिस्ट्री को हमें देखना पड़ेगा, pre-47, post-47 और सिख दौर, डोगरा दौर, ये सारे दौरों को हमने देखना पड़ेगा और सारे रिजीम्स को पढ़ना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर हमेशा किन मुसीबतों से, किन मुश्किलों से निकल कर आया है। और शायद आज एक और पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो हमारे सामने है। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है, जिसमें वो जेन्युइन भी हो सकता है, उनका आर्ग्यू सही भी हो सकता है, क्योंकि अब ये कोर्ट सुनेगा ये आर्ग्यू, उन्हें लगेगा सही है तो वो अपनी बात रखेंगे, उन्हें लगेगा सही नहीं है तो वो अपनी बात रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चला गया है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग ये तथ्य दे रहे हैं कि देखिए अगर आपने करना ही था तो कॉन्फिडेंस में लेकर करते, नहीं हुआ कॉन्फिडेंस में लेकर, आगे बढ़ी सरकार, ऑर्डिनेंस के लाई और उसके बाद अपर हाउस लोअर हाउस में बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट का बिल लाई और कहा गया कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था, जो पूरे देश ने माना हिस्टोरिकल इवेंट था, लेकिन अब आगे होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और आगे के हालात को कैसे बेहतर बनाया जाए और ये पॉलिटिकल वैक्यूम आगे ना रहे, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मुझे आज के दिन जब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तो शायद ये कहना आज के दिन काफ़ी मुश्किल है कि कल
10 दिन बाद 12 दिन बाद आपकी सब सिचुएशन नॉर्मल होगी। जिस हालात में अभी जम्मू कश्मीर है उस हालात में जरूरी है कि लोग शांत रहें, बहुत स्वाभाविक है किसी लोग को भी तो शांत रहे हैं। लोगों ने क्या किया है 5 अगस्त के बाद, अगर आप देखेंगे माइनर इंसिडेंट्स को छोड़कर बाय एंड लार्ज लोग शांत हैं। लोगों ने अगर प्रोटेस्ट आज भी कर रहे हैं वो शटल डाउन करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना ट्रांसपोर्ट बंद करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने कहा था खोलिए, नहीं खोल रहे हैं। लोग तो इसी तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे ना, वो तो चल रहा है वहां पर। लेकिन उसके साथ साथ ये कह देना कि कभी जुड़ नहीं पाएंगे, ये हमेशा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। एक समय तक हो सकता है ये सब रहे। आदिल शुरुआत में कह रहे थे कि पैलेट लगने से किसी की मौत हुई और उसको बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी से मौत हुई है, ये क्या मैसेज देगा? क्या हम स्वीकारें, क्या हम किस चीज को समझें? नहीं, हमारे लिए सच्चाई क्या है? सच्चाई वही है ना जो एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेशन के बाद बाहर आएगी, जिस तरीके से कल एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कह रहे थे। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटीज क्या है, क्या नहीं है, डेथ हुई है। अब वो पत्थर लगने से हुई या पैलेट लगने से हुई, अब वो गोली लगने से हुई या स्मोक शेल के धुएं से हुई है, मौत कश्मीरी की हुई है। सबसे पहला मसला ये है, वो किसी भी गोली से मरे, मरा जम्मू कश्मीर का सिटीजन है, जम्मू कश्मीर का नागरिक है जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता था, और उसकी सजा सिर्फ इतनी है, उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता है। अब उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, वो कितना खुश है और कितना दुखी है, शायद उसकी सजा यही है कि वो घर में है या बाहर है या गोली का निशाना है या विरोध कर रहा है, वो अलग एक बहस है। लेकिन अब इसको एड्रेस करने की जरूरत है जो अभी पॉलिटिकल वैक्यूम बनाया गया। देखिए एक बड़ी परेशानी जो जम्मू कश्मीर में स्पेशली वादी कश्मीर में देखने को मिलेगी वो ये है कि कल तक आप जिन्हें मेन स्ट्रीम कह रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ते थे, लड़वाते थे और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखे हुए थे, उन्हें आज सेपरेटिस्ट बनाया गया है। उमर अब्दुल्ला की पूरी फैमिली, महबूबा मुफ्ती की पूरी फैमिली, मतलब जो लोकल लीडर्स हैं, तो जो बात मेन स्ट्रीम करने वाले थे, जो इसको अपने तरीके से डाइल्यूट करते हैं या जो इसको अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो तो है ही नहीं आज। इसलिए मेरे भाई ने जो बात बताई है आपको कि दिल कैसे जोड़ेंगे आप, वो कम्युनिकेशन कट है और उस कम्युनिकेशन को दोबारा बहाल करने में जितनी मेहनत 47 में करनी पड़ी थी वही मेहनत आज करनी पड़ी। आदिल क्या लगता है कैसे दिल जीता जाए? क्या अब उम्मीद आपको नजर आती है कि अगर ये हो जाए तो शायद हालात सुधर सकते हैं? मैं बात रखना चाहता हूँ कि जैसे जिस तरीके से ये किया गया तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये शायद मुझे लगता है कि 1947 से पहले भी लेके गए, क्योंकि जो 70 साल में भरोसा बनाया गया था उसको एक झटके में ख़त्म कर दिया गया, उसको 5 मिनट में ख़त्म कर दिया गया था। अब ये संवैधानिक कितना है, कितना असंवैधानिक है, वो अपने आप में वही बात कहती है कि जिस तरह से ये किया गया, क्योंकि जो संवैधानिक प्रोसेस थी उसको बिल्कुल अवॉइड करके असंवैधानिक तरीका यूज किया गया। एक बात बताइए, हम अगर एड्रेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को तो हम किस जम्मू कश्मीर को दिखाएं? हम उस जम्मू को दिखाएं जो खुश हैं, उन कश्मीरी पंडितों को दिखाएं जो खुश हैं, लद्दाख के उन लोगों को दिखाएं जो खुश हैं, या फिर हम उन कश्मीरियों को दिखाएं जिनको ये लगता है कि स्टेटस था वो उनसे छिन गया? नहीं नहीं, वो दिखाने की बात अलग है, वो तो देश को पूरा दिख रहा है कि देश की कौन सा जम्मू कश्मीर। एक विचारधारा होती है कि हमारे पूरे राज्य के साथ गलत हुआ, हम सब लोगों की परेशानी है, लेकिन कहते हैं कि वो जी आप जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं भी पूरी जम्मू कश्मीर की बात करता। आप मुझे कहिए एयर चीफ मार्शल, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल कपिल का कौन है? वो पंडित नहीं है कश्मीरी, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट अनुराधा भाषण कौन है मुझे इतना बताया? करगिल से कौन, करगिल में कर्फ्यू क्यों लगा था? आप जो हैप्पी है, मैं इतना कहूंगा पूरे, हाँ कश्मीर वादी में भी कुछ लोग खुश है, वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ है। अब जिनकी दुकानें शुरू हुई है, ये कह रहे हैं कि हमने वहां पॉलिटिशियंस की दुकानें बंद कर दी, लेकिन जिनकी दुकानें अब शुरू हुई है वो लोग खुश है, वो लोग मीडिया पे आ रहे हैं, उन लोगों को दिखाया जा रहा, उस मजलूम कौम को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? आप मुझे पीर पंजाल से लोगों से बात करके दिखाया, मीडिया पे आप दिखाइए, आप पूरे देश को दिखाइए, करगिल से दिखाइए, लद्दाख से दिखाइए, जम्मू से भी दिखाइए और कश्मीर से भी दिखाइए, उन लोगों को दिखाइए, कम लोगों को दिखाइए। मैं थोड़ा इंटरव्यू करूंगा। जहां तक करगिल की बात है, शेख मेहदी हसन साहब एक बड़े मजहबी पेशवा है जिनकी सरबराही में
करगिल के अंदर एहतजाज हुआ था जिनकी सरबराही में। मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी से सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, लगातार हम सुन रहे हैं, हमारे बीच इस वक्त कश्मीरी युवाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए आदिल बैठे हुए हैं। उन्होंने शुरुआत से कहा कि असंवैधानिक तरीके से आपने हर चीज को लेकर के आए हैं, एक जो कनेक्शन था वो भी टूट चुका है, भरोसा आप जीत नहीं पाए हैं, बहुत सारी चीजें आदिल की तरफ से रखी गई, सवाल भी वो पूछ रहे हैं कि हुआ कुछ और है, अब दिखा कुछ और रहे हैं, कैसे जीतेंगे आदिल का दिल और उनके जैसे युवाओं का दिल? नहीं, आदिल ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, आप लेकिन बता रहे हैं जी। तो एक इस प्रकार के विचार वाले लोग तो वहां पर कुछ तो है ही, क्योंकि 70 साल से जिस माहौल में कश्मीर के लोग रहे हैं उसमें इस प्रकार के विचार वाले लोगों की संख्या तो वहां पर है ही, माने अलगाववाद की समस्या तो वहां पर थी, और 370 धारा समाप्त करके अलगाववाद की समस्या को हल करने का हमने प्रयास किया है और वो अलगाववाद समाप्त हो भी रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ इस प्रकार के जो लोग हैं वो रहेंगे। हमारी कोशिश पूरी तरीके से ये है कि वहां के बच्चों को पूरा न्याय मिले, वह उनको अवसर मिले प्राप्त हो, और आज जो भेद था 1370 की वजह से वो समाप्त हो गया है, पूरे देश के अंदर कश्मीर के बच्चे आ सकते हैं, जा सकते हैं, विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकते हैं। अग्रवाल साहब, मैं आपको रोकूंगी, आदिल एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, आदिल सवाल पूछिए। जी, माननीय सांसद जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार के युवा, इस प्रकार की आवाज अभी भी वहां रहेगी, लेकिन मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूं, पूरे देश में पिछले 5 साल में कौन सा डेवलपमेंट हुआ जो कश्मीर उसके पीछे रह गया? मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है मोदी डेवलपमेंट की, जेट एयरवेज बंद हुआ, एयर इंडिया 76,000 के घाटे में चल रहा है, BSNL में 54,000 जॉब चली गई, नो मिनी पे हाल में एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, 1 मिलियन टू बी लेड ऑफ इन ऑटो इंडस्ट्री, 12.96 लाख हाउसेस अनसोल्ड। अब ये कौन सा डेवलपमेंट की बात है? आपने पूरे देश में कौन सा डेवलपमेंट दे दीजिए सर, बस आप तो रुक जाइए, आप तो संदर्भ बदल रहे हैं, ये नौजवान जो है ये पूरा रेफरेंस ही बदले दे रहे हैं। ये मैं जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी जो है 1 महीना हुआ है, आज 5 तारीख है, 1 महीना हुआ है, वहां पर जो परिवर्तन का दौर आएगा कोई एकदम से नहीं आएगा, अभी वहां शांति भी स्थापित होनी है, वहां जो अलगाववादी तत्व है उनको भी जो है आइसोलेट करना है, और विकास के काम होंगे, साल में 1.5 साल में उसका असर आएगा। अभी तो 70 साल के अंदर कुछ परिवार ही लाभान्वित हो रहे थे, आम आदमी तक उसकी विकास की जो रोशनी है वो पहुंची कहां, तो कुछ समय लगेगा उसके अंदर। और बाकी जो आप अन्य सब बातें कर रहे हैं वो केवल कश्मीर के विषय में कुछ बात हो तो बताइए, कश्मीर के अंदर भी पिछले 5 साल के अंदर पहले सालों के मुकाबले बहुत काम हुए हैं, वहां पर हॉस्पिटल खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुली है, रास्ते बने हैं, बिजली की समस्याएं हल हुई हैं, प्रधानमंत्री अनेक बार गए हैं, अरे बहुत सारे काम वहां पर हुए हैं, और मैं समझता हूं कि यदि ये एक जिद छोड़ करके सोचें तो उनके ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे कि 5 साल के अंदर भी धारा 370 रहने के बावजूद वहां पर बहुत काम हुए हैं, और अब 370 जब हट गई है, हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा वो सब प्रकार से घोषित हो चुका है, तो वहां पर विकास का जो काम है और भी तेजी से किया जाएगा, और प्रत्येक नौजवान को अवसर वहां पर प्राप्त होगा। इस प्रकार की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कही भी गई और हम तुरंत उन कामों को करने भी वाले। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिल, अपनी बात रखिए, अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं माननीय सांसद जी को बोलना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि फुल्ली इंटीग्रेट हो गया, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फुल्ली इंटीग्रेट कहां से हो गया? ये जो चीजें कह रहे हैं कि वो हो गया, ये हो गया, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये आइसोलेशन की बात करें, जो मेन स्ट्रीम 70 साल से दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही थी पूरे जम्मू कश्मीर में, अब वो भी इस चीज के खिलाफ है, क्या उनको भी आइसोलेट कर देंगे? इस बात का जवाब दे दें जी। गौहर, इसी के साथ आपके पास आऊंगी आखिरी रिएक्शन के लिए। बहुत सारी शिकायतें हैं कश्मीरी युवाओं को, जिसे अगर सरकार सुनने बैठेगी तो लिस्ट बहुत लंबी है, और उसको पूरा करते करते शायद थोड़ा लंबा समय लग जाए, लेकिन उसके साथ साथ तभी दिल जीत पाएंगे, ये आज स्पष्ट होता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। और जैसे गुजरात मॉडल दिखा करके सरकार बनी, ऐसे ही आज आदिल दिखा रहे हैं 5% वाली सच्चाई और कह रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में संभव होगा। देखिए, कुछ चीजें ग्राउंड रियलिटी है जो आदिल बता रहे हैं ना, नेशनल हुकअप प्रोस्पेक्टिव में जो इन्होंने बात बताई वो सच्चाई भी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं
जो कह के भी नहीं कह पाई जाती है, लेकिन हालात खुद वो बयान करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। अब कश्मीर के प्रोस्पेक्टिव से जब मैं नेशनल हुकअप के लीडर्स की बात सुनता हूँ कि वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, तो मुझे बहुत बार हंसी आती है, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट होगी, तो फिर क्यों नहीं हुई, सवाल पैदा होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ आए, अनाउंसमेंट की डेवलपमेंट्स की, क्या हुई, नहीं हुई, जवाब दें। प्रधानमंत्री साहब है, कार्यालय उनका था, क्यों नहीं हुआ, बता दें आज लोगों को। जीतने वाली दिल तो यही बात होती है ना। करप्शन पर हमेशा बात हुई कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, और अगर बाइफर्केशन ऑफ स्टेट या पावर यूटी बनाने से स्टेट डेवलप होगी, तो मेरी नज़र में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी एग्जांपल है। उसको यूटी बना दीजिए, बाइफर्केट कीजिए, और अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप यूपी को भी देखेंगे और वहाँ के फार फ्लंग एरियाज को देखेंगे, आउटर जोन को देखेंगे, तो आपको डेवलपमेंट का कहीं निशान भी नजर नहीं आएगा, जहाँ पर डबल पहिए की सरकार है। आप बिहार जाइए तो वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है सबके सामने है। तो ये डेवलपमेंट को जोड़ना 370 के साथ शायद ये सही नहीं है। नेशनल कंसेंसस था और उस कंसेंसस को एड्रेस करने की कोशिश की। विकास बात पे पहले आप वहाँ के लोगों का दिल ही जीत लीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज आवाज बनने की कोशिश की, वहां के युवा क्या सोच रहे हैं उस बीच जब कम्युनिकेशन कनेक्शन बिल्कुल टूट चुका है। गुलिस्तान न्यूज बहुत पहले से ये कोशिश करता रहा है, फिर चाहे हेल्पलाइन नंबर के जरिए हो या फिर युवाओं को यहां किसी तरह ला करके उनकी आवाज आप तक पहुंचाना। शासन प्रशासन के लिए थोड़ा सा लंबा और कठिन समय ये रहने वाला है, क्योंकि युवाओं को का दिल जीतने के लिए अभी भी बहुत बड़ा संघर्ष है जो उनको करना होगा। चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ।